दोस्तों, बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाज़ार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम शेयर मार्केट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ से रिलेटेड बातें करने वाले हैं, तीन चार स्टॉक से रिलेटेड बातें करने वाले हैं। तो आइए उस वीडियो पे चलते हैं। बट इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, मैं आपसे चाहता हूँ कि हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाज़ार को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए दोस्तों अपने फैमिली के साथ, ताकि आपको बेहतरीन इन्फॉर्मेशन शेयर बाज़ार से रिलेटेड मिलती रहे। तो आइए हम वीडियो की तरफ चलते हैं। और तो सबसे पहले हम बात कर देते हैं हैप्पीएस्ट माइंड आईपीओ के बारे में। तो आपको जैसे कि पता ही है, हैप्पीएस्ट माइंड आईपीओ जैसे कि 7 तारीख को यहाँ पर लॉन्च हुआ था। ओके, 7 तारीख को यहाँ पर आते हुए दिखा था, और 9 तारीख आज की डेट इसकी लास्ट डेट थी। 5 बजे तक आप अप्लाई कर सकते थे, जिसने भी किया होगा। ओके, जिसे भी मिलेगा वो 15 तारीख को पता चल जाएगा किसे मिला है किसे नहीं मिला है। तो परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। तो जैसे कि आपको यहाँ सामने हेडलाइन दिखाई दे रही है कि हैप्पीएस्ट माइंड आईपीओ सब्सक्राइब 42 टाइम्स ऑन डे 3। मतलब आज के दिन में 3 दिन के अंदर अंदर 42 टाइम्स ये ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। इसके अलावा एचएनआई कोटा होता है जो, वो 126 टाइम्स बिड्स देखी गई है। तो मतलब एचएनआई जो कोटा था वो 126% ये हो चुका है। तो काफ़ी बेहतरीन इसका आईपीओ आया है। काफ़ी ग्रे मार्केट में भी इसकी काफ़ी चर्चाएँ हैं। बट जैसे कि आपको पता ही है कि मार्केट कंटिन्यूसली पिछले 2-3 दिनों से, 3-4 सेशन से गिरता आ रहा है। ओके, तो कुछ नेगेटिविटी अगर मार्केट में 15 तारीख तक दिखी, तो शायद इसमें आपको जो प्रॉफिट हमने सोचा था कि 60-70% तक का प्रॉफिट हो जाएगा, तो वो होता हुआ ना दिखे, कम होता हुआ दिखे, या फिर ये थोड़ा नीचे की सतह पे खुलता हुआ दिखे। क्योंकि इसका प्राइस बैंड जो देखा था 165 से 166 रुपीज़ इसका प्राइस बैंड था। और कंपनी काफ़ी बेहतरीन है, परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतरीन है, डिजिटल आईटी से रिलेटेड कंपनी है। और अशोक सूता के बारे में ऑलरेडी मैं अपनी वीडियो में बता चुका हूँ, तो आप जाके उस वीडियो को देख लेना। ओके, उसमें सब चीज़ मैंने ऑलरेडी बताई है, रिवेन्यू और कैसे अप्लाई करना है कि सब कुछ मैंने ऑलरेडी बताया हुआ था। तो आप उस वीडियो को भी डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा तो आप फॉलो कर सकते हैं। एज वेल एज हम दूसरे एक कंपनी के बारे में बात करेंगे, जैसे कि आपको बताया रूट मोबाइल। तो रूट मोबाइल का आईपीओ जैसे ही आज की डेट में ये आता हुआ नज़र आया है, और ये 3 दिन तक आपको देखेगा भी मार्केट में। तो काफ़ी अच्छा, काफ़ी लोगों ने सब्सक्राइब करने के लिए अपना ओपिनियन दिया है कि आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आज इसका ओपनिंग डेट था, तो जैसे कि आपको दिख रहा है हेडलाइन कि रूट मोबाइल आईपीओ डे 1, तो इशू फुल्ली सब्सक्राइब, पूरा सब्सक्राइब हो चुका है। रिटेल इन्वेस्टर पोर्शन 1.8 टाइम्स, मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए जो उनका 30-35% आई थिंक था, तो वो सारा का सारा ओवर सब्सक्राइब हो चुका है 1.8 टाइम्स। तो देखिए न्यूज़ भी अच्छी आ रही है, तो काफ़ी अच्छा इसका बिजनेस मॉडल भी है। तो रूट मोबाइल डज नॉट हैव अ डायरेक्ट कंपेरेबल लिस्टेड पीयर इन इंडिया। इट विल बिकम द सेकेंड फर्म इन द लार्जेस्ट मोबाइल कम्युनिकेशन सर्विस आफ्टर एफएल इंडिया। एफएल इंडिया के बारे में ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, उस वीडियो को आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। काफ़ी बेहतरीन वो वीडियो भी है, और काफ़ी एफएल इंडिया के बारे में मैंने सब कुछ आपको उस वीडियो में बता रखा है कि एफएल इंडिया एग्जैक्टली काम क्या करती है। काफ़ी अच्छा शेयर है, काफ़ी पिछले 2 साल में, काफ़ी 1 साल शायद हुआ है लिस्ट हुए, तो काफ़ी अच्छा रिटर्न भी अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। तो रूट मोबाइल भी लगभग लगभग डिजिटल से रिलेटेड है, तो इसका बिजनेस क्या है एक बार देख लेते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि ओटीटी सेगमेंट मतलब जैसे कि आप नेटफ्लिक्स देखते हैं, अमेजोन प्राइम देखते हैं, Z5 देखते हैं, जो ओटीटी सेगमेंट होता है उससे रिलेटेड कुछ काम करता है, एज वेल एज क्लाउड कम्युनिकेशन से रिलेटेड काम करता है। और ओटीपी जो आपके मोबाइल पे आता है, जो मैसेजेस आते हैं ओटीपी आता है। ओके, तो ये कंपनी उसी सेक्टर में काम करती है। ओके, काफ़ी अच्छा बेहतरीन इनका परफॉर्मेंस भी रहा है। प्रॉफिट का रेशो पिछले अगर देखा जाए तो 2016 से कंपेयर किया जाए तो कुछ घटता हुआ नज़र आया है, बट इनका रेवेन्यू काफ़ी बढ़ता हुआ नज़र आया है। क्योंकि इस जो ये काम करते हैं, और भी काफ़ी सारी कंपनियां हैं जो इस सेक्टर में काम करती है, तो दिस इज़ द रीज़न कि कंपटीशन भी काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पर 345 से 350 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड रखा गया है, और 11 तारीख को, जैसे कि मैंने बताया, 3 दिन बाद ये क्लोज हो जाएगा। तो 11 तारीख तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो काफ़ी लोगों ने इसे खरीदने की सलाह दी है। ओके, तो पी रेशो इसका काफ़ी हाई बता रहे हैं, जैसे कंपनी कंफर्टेबली कमांड अ पी ऑफ 24-25x का इसका पी, और आईपीओ वैल्यूएशन फेयरली अट्रैक्टिव फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट।
तो आप सोच सकते हैं, ओके काफ़ी अच्छा इनका बिजनेस मॉडल भी है और ये ओवर सब्सक्राइब भी हो चुका है, तो कल की डेट भी देख लीजिएगा, कल भी आपको एक न्यूज़ आ जाएगी। इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल के बारे में बताना चाहता हूँ कि मोतीलाल ओसवाल ऑल्सो रिकमेंडेड सब्सक्राइब टू IPO। तो मोतीलाल ओसवाल जो ये ब्रोकिंग कंपनी है उन्होंने भी बताया है कि आप इसे ओवर सब्सक्राइब कर सकते हैं, सॉरी इसे सब्सक्रिप्शन के लिए जा सकते हैं, इसके लिए अप्लाई IPO को अप्लाई के लिए आप जा सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी ये कंपनी दिखाई दे रही है और काफ़ी अच्छा इनका बिजनेस भी है, जैसे कि द कंपनी हैड सर्व ओवर 30,150 क्लाइंट्स बाई जून 2020, मतलब 2020 जून तक इन्होंने 30,150 इनके क्लाइंट्स को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करी है, ओके। और ये ग्लोबली थ्रू इट्स ऑफिस अक्रॉस अफ्रीका, एशिया, पैसिफिक, यूरोप, मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अमेरिका, इन बाहर के देशों में भी ये काम करती है। और जो इनका IPO से पैसा आएगा वो इनका कुछ डेट है वो क्लियर करने में लगेंगे, एज वेल एज ये मुंबई में ऑफिस भी लेने, और कुछ इनके वेंचर्स भी है, कुछ ये शायद इनके कुछ प्लान्स हैं आगे के, तो उसमें एग्जीक्यूट करने में ये IPO में पैसे लगेंगे। तो IPO प्लस OFS दोनों इस कंपनी का आ रहा है, 180 180 करोड़ रुपए के दो जो इनके शेयर होल्डर्स हैं वो अपने OFS ला रहे हैं। तो इस काफ़ी अच्छा शेयर आपको, काफ़ी अच्छा IPO आपको मार्केट में आता हुआ दिखा है आफ्टर हैप्पीएस्ट माइंड। तो रूट मोबाइल इसका बारे में भी आप जाके देख सकते हैं और इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं एज वेल एज अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए दूसरी न्यूज़ के बारे में चल लेते हैं। तो दूसरी न्यूज़ सीधे रिलायंस की जो मार्केट कैपिटल है, आपको पता ही है सबसे ज़्यादा मार्केट कैपिटल वाला स्टॉक है। आज का भी परफॉर्मेंस देखे तो देखिए, आज के दिन ही जहां मार्केट सारे शेयर्स गिरे हुए थे वहीं पर ये शेयर लगभग 2.66% तक का इसने जंप दिखाया है, 56 पॉइंट्स का इसमें जंप देखा गया है। तो काफ़ी अच्छा शेयर आपको दिख रहा है, इसके पीछे भी रीज़न ये है कि किस क्यों ये जंप हुआ। तो जैसे कि आपको पता है कि रिलायंस का जियो पहले आया था, तो अब जियो के बाद जियो में बड़ी बड़ी कंपनी लगभग 13 से 14 कंपनीज ने $20 बिलियन इन्वेस्ट किया था, तो अब पारी है रिटेल की। तो जियो अब रिलायंस रिटेल में, जैसे कि न्यूज़ आ रही है कि 30 मिनट्स आफ्टर द न्यूज़ ऑफ सिल्वर लेक इन्वेस्टिंग 7,7500 करोड़ इन रिलायंस रिटेल सर्विस, लगभग $1 बिलियन वो यहाँ पर रिलायंस रिटेल में इन्वेस्ट करने वाला, कौन सी कंपनी, सिल्वर लेक। तो सिल्वर लेक ने इतना ही पैसा जियो में भी इन्वेस्ट किया था, अब वो $1 बिलियन इसमें रिटेल में भी इन्वेस्ट कर रहा है। तो दिस इज़ द रीज़न कि यही वजह से जहाँ सारा स्टॉक, जहाँ निफ्टी, सेंसेक्स और बहुत सारे बड़े बड़े स्टॉक गिरे हुए थे, वहीं रिलायंस अपना परचम लहरा रहा था और लगभग 2.68% की इसमें जंप देखी गई है। और इसी वजह से मार्केट ज़्यादा गिरता हुआ भी नहीं दिखाई दिया, क्योंकि रिलायंस का वेटेज जैसे कि आपको पता है 14% अकेले का वेटेज है निफ्टी 50 में, इसी वजह से निफ्टी 50 आपको ज़्यादा बढ़ता हुआ भी दिखाई दिया था। तो रिलायंस का फ्यूचर तो काफ़ी अच्छा है, आप कभी भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, मार्केट कैपिटल भी अच्छा है, बिजनेस प्लान्स भी अच्छे हैं, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की हम ऑलवेज लॉन्ग टर्म्स की बात करते हैं, तो लॉन्ग टर्म 5 से 10 साल में कंपनी का फ्यूचर अलग ही आपको दिखाई देगा, तो आप इस शेयर के बारे में भी सोच सकते हैं। तो दोस्तों यही थी आज की इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। इसके अलावा मार्केट जैसे कि कंटिन्यूअसली गिरती जा रही है, तो मेरा आपसे अनुरोध यही रहेगा कि आप SIP करिए अभी, और अच्छे अच्छे जो हाई बीटा वाले स्टॉक है उनमें SIP करिए। बैंक के बहुत सारे शेयर हैं जो इस टाइम गिरे हुए हैं, AMC एसेट मैनेजमेंट कंपनी के शेयर गिरे हुए हैं, ओके आज भी अच्छे खासे गिरते हुए नजर आए, तो जाके उनमें इन्वेस्ट SIP करते रहिए ओके। और सारी वीडियो, सारे अच्छे अच्छे शेयर्स मैंने अपनी वीडियोस में दे रखे हैं, तो हमारी वीडियो को फॉलो करिए ताकि आपको उनके फंडामेंटल्स एज वेल एज कंपनी कैसी है, कौन से शेयर में इन्वेस्ट करना है या नहीं, वो सब कुछ आपको दिखाई देगा, और आप ऐसी गिरावट में माल उठाएंगे तो आपको फ्यूचर में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होगा। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, दैट्स इट आज के लिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, एज वेल एज हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को हिट करिए और फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर भी करिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।